शीला का पति घर पर नहीं थे, वो काम के सिलसिले से दिल्ली गए थे। उस दिन खाना जल्दी बन गया था और माँ बाबूजी खाना खाकर सो गए थे। बहनें नौकरी कर रहे थे, शीला भी छत पर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद बारिश आके चली गई और बारिश बहुत देर तक नहीं आई। रात के 12 बज गया, बारिश नहीं आई तो शीला छत पे चली गई। सोती उसके सास ससुर को तो नींद आ गई थी, पर उसे गर्मी लग रही थी। इस वजह से उसने प्लान बनाया, आज रात को छत पर ही सो जाए। उसका बहने भी बोला, जी मामी जी, आप उधर ही सो जाओ, मैं भी आज ऊपर ही सोऊंगा। उसके बाद शीला नीचे से बिस्तर लेकर आ गई और बगल में बहने का बिस्तर भी लगा दिया और मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो गई। जब उसे लगा कि नींद नहीं आ रही है तो फिर वे दोनों आपस में बातें करने लगे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि मामी, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था शीला के साथ? इससे पहले तो बॉयफ्रेंड थे, पर वो कैसे बताती कि शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं? वैसे भी ये सब बातें बताने वाली नहीं होती हैं। फिर भी शीला ने भी अपने बहने से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो उसके बहने ने कहा है। तो मामी ने पूछा, फिर तुमने उसके साथ कुछ किया कि नहीं? उसने बताया कि उसने सिर्फ उसके साथ किस किया है और गले से लगाया है, और जो चीज होती है वो सब नहीं किया है। मामी कहने लगी, तुमने उसके साथ वो सब नहीं किया है? तो उसका बहने चुप हो गया और बहने कहने लगा, वो मेरे से संबंध नहीं बनाती है, जब भी करने को बोलता हूँ तो मना कर देती है। तभी आसमान से बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम बन गया और शीला के मन में भी बादल गरजने लगे थे, क्योंकि उसने अपने बहने के साथ प्राइवेट बातें कर ली थी। आज उसे रात रंगीन करने का मन करने लगा था। उसको वैसे भी बहुत दिन से मिला नहीं था क्योंकि उसका पति काम से दिल्ली गए थे, तो शीला ने सोचा क्यों ना आज अपने बहने के साथ रात का मजा लिया जाए। तभी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी और वे दोनों नीचे आकर कमरे में लेट गए। शीला का बहने मामी के बगल में लेटा था। जब शीला को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो अपने बहने के ऊपर चढ़ गई।